तो देखो भाई लोग, ये पार्ट टू वीडियो होने वाला है बेस्ट कार बिटवीन 15 लाख टू 20 लाख रुपीज। इसका पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने 7 कारों को कवर किया था और इस वीडियो के अंदर मैं पेंडिंग 7 कारों को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका भी बजट 15 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में है लेकिन आप कंफ्यूज हो किस कार के साथ जाए, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जो नंबर वन पोजिशन पर कार आती है जिसको आप 2022 में खरीद सकते हैं वो है MG की एस्टर। भाई ये कार काफी बढ़िया है, इसका लुक आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका इंटीरियर। MG Aster के अंदर काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स को इंक्लूड किया है, हालांकि सेगमेंट के अंदर इसके अंदर आपको काफी हाईटेक लेवल के फीचर्स मिल जाएंगे। और सेफ्टी के हिसाब से MG कंपनी ने इस कार के अंदर ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी का भी यूज किया हुआ है, जो कि अच्छी खासी बात है। अगर आपको फीचर लोडेड कार चाहिए, अच्छे लुक वाली कार चाहिए, तो डेफिनेटली आप MG Aster को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे और ये पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 9 से लेकर 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है आराम से। लेकिन Aster के ऊपर भी आपको थोड़ा सा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस कार की डिमांड ज्यादा है और इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज बहुत ही बड़ा है, तो इसी वजह से MG कंपनी Aster की डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पा रही है। तो इस कार को आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन इसको लेने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 15 लाख से लेकर 20 लाख के बजट में आप MG Aster का सेवी CVT मॉडल परचेस कर सकते हो और इस मॉडल को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 19,61,000 रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। अगर आपका बजट कम है तो आप प्रीवियस मॉडल के साथ जा सकते हो या फिर सिंपली आप इसका टॉप सेलिंग मॉडल परचेस कर सकते हो, वो है शार्प CVT। हालांकि इस मॉडल को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तभी तो ये इसका टॉप सेलिंग मॉडल बन चुका है। और इस मॉडल को अगर आपको खरीदना है तो आपको देने पड़ेंगे 18,42,000 रुपीज। ये भी ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। लेकिन MG की Aster के अंदर भी आपको काफी ज्यादा कमियां देखने को मिलने वाली है, उसके लिए आपको ओनरशिप रिव्यूज वीडियोस देखने पड़ेंगे। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं वो है हुंडई की क्रेटा और दूसरी है किया की सेल्टोस। ये दोनों कारें इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है, हालांकि क्रेटा को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और कार सेल्स रिपोर्ट में क्रेटा टॉप 5 लिस्ट में आ जाती है आराम से। तो 2022 में आप इनमें से एक कार को चूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इस साल के एंड तक क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल शायद अगले साल के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। लेकिन क्रेटा के ऊपर और सेल्टोस के ऊपर भी आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से क्रेटा के ऊपर लगभग 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है और जब फेसलिफ्ट मॉडल इनका लॉन्च हो जाएगा शायद वो मॉडल आपको जल्दी से मिल जाएंगे, शायद उनके ऊपर भी वेटिंग पीरियड हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के डेट में अगर आप क्रेटा को बुक करते हैं तो अगले कुछ महीनों में आपको क्रेटा या फिर सेल्टोस मिल जाएगी आराम से। इन दोनों में से मैं आपको क्रेटा रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि इसका लुक भी बढ़िया है, इंटीरियर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और दोनों ही कारों के अंदर आपको 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आपको क्रेटा का पेट्रोल मॉडल लेना है इस बजट रेंज में तो आपको लेना पड़ेगा SX IVT मॉडल और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 18,79,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। वही अगर आपको क्रेटा के अंदर डीजल मॉडल लेना है तो आपको लेना पड़ेगा SX ऑप्शनल वेरिएंट और इस मॉडल की कीमत लगभग 20 लाख रुपीज तक चली जाती है। अगर आपका बजट इससे कम है तो आप प्रीवियस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो इन मॉडल्स के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सेल्टोस को परचेस करना है तो पेट्रोल इंजन के साथ आप इसके GT X+ मॉडल को खरीद सकते हैं और इस मॉडल को लेने के लिए आपको लगभग 19,95,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये भी ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। और डीजल इंजन के साथ आपको किया सेल्टोस को परचेस करना है तो आपको लेना पड़ेगा HT X+ मॉडल और इस वेरिएंट को लेने के लिए आपको लगभग 19,82,000 रुपीज देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेट्रोल मॉडल के मुकाबले डीजल मॉडल को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर की कार आती है जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं वो है स्कोडा की कुशक और दूसरी है फोक्सवैगन की टाइगून। दोनों ही कारें बेहतरीन है, हालांकि दोनों ही कारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको टाइगून को कंसिडर करना चाहिए। टाइगून को खरीदने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू कुशक, लेकिन टाइगून का इंटीरियर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम रखा है तो आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा, अच्छा खासा फील आने वाला है टाइगून के इंटीरियर में। कुशक का इंटीरियर भी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को टाइगून का इंटीरियर
इंटीरियर अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को कुशक का लग सकता है। पर्सनली मुझे फोक्सवैगन टाइगून का इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो यहाँ पर स्कोडा कुशक का लुक अच्छा खासा है, टाइगून भी दिखने में बढ़िया है। हालांकि टाइगून के एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा क्रोम का यूज देखने को मिलने वाला है। अगर आपको ये चीजें पसंद है तो डेफिनेटली आप टाइगून को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, टाइगून को खरीदने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं टाइगून की बात करूँ तो टाइगून का आप टॉप लाइन मॉडल खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 20 लाख रुपीज, और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 19,98,000 रुपीज। ये मैंने 1.0 लीटर TSI मॉडल की प्राइस बताई है। 1.5 लीटर वाला मॉडल लेना है तो आपको लेना पड़ेगा इसका GT वेरिएंट, और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 18,76,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये टाइगून के प्राइजेस थे। लेकिन अगर मैं कुशक की बात करूँ, कुशक का आपको लेना पड़ेगा स्टाइल वेरियंट 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 19,87,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आपको कुशक के अंदर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा स्टाइल वेरिएंट, और इस मॉडल को लेने के लिए आपको लगभग 20,18,000 रुपीज देने पड़ेंगे। वही जो 6th और 7th नंबर की कारें आती हैं, जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं, वो है टोयोटा हाईराइडर और दूसरी है ग्रैंड विटारा। दोनों ही कारों को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली रिवील किया गया है, लेकिन टोयोटा हाईराइडर के स्ट्रॉन्ग मॉडल की कीमत इंडियन मार्केट में रिवील कर दी गई है। तो यहाँ पर हाईराइडर के माइल्ड हाइब्रिड मॉडल की कीमत आनी बाकी है और विटारा की भी कीमत आनी बाकी है। लेकिन इनकी कीमत जैसी ही आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, या फिर इनके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। तो 2022 में इन दोनों में से एक कार आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर ऐसी कारें हैं जिनके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलने वाला है, आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिलने वाला है, और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स इन दोनों ही कारों के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो इसी वजह से ये दोनों ही कारें काफी बेहतरीन है। मेरे हिसाब से आपको टोयोटा हाईराइडर को कंसिडर करना चाहिए। इसका लुक भी बढ़िया है, इसका इंटीरियर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके इंटीरियर को देखने के बाद आपको डेफिनेटली मारुति सुजुकी की कारों की याद आने वाली है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट मारुति सुजुकी ने ही मैन्युफैक्चर करे हैं। दोनों ही कारें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल के साथ लगभग 28 का माइलेज दे देती है, ये कंपनी ने माइलेज क्लेम किया है। लेकिन अगर आप इनका माइल्ड हाइब्रिड वाला मॉडल परचेस कर दे तो आपको लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। तो ये कारें माइलेज के हिसाब से भी बेहतरीन है, लुक के हिसाब से भी बेहतरीन है, फीचर इनके अंदर काफी लोडेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन कारों के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिल जाएगा। तो काफी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स आपको इन दोनों ही कारों के अंदर मिलने वाले हैं। हालांकि ग्रैंड विटारा का फ्रंट का फीचर और रियर का फीचर आपको काफी खतरनाक देखने को मिलने वाला है। इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये 7 कारें थी जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं 15 लाख से लेकर 20 लाख के बजट में। मेरे हिसाब से आपको टोयोटा हाईराइडर या फिर ग्रैंड विटारा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कारें बेहतरीन है, लुक बढ़िया है, माइलेज आपको मिल जाएगा, और इनके अंदर आपको कम्फर्ट अच्छा खासा मिलने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्राइसिंग। यहाँ पर इनके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल को लेने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप बाकी वेरियंट के साथ जा सकते हो, जैसे कि माइल्ड हाइब्रिड मॉडल, या फिर आप क्रेटा को कंसिडर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल के लिए या फिर सेल्टोस के फेसलिफ्ट मॉडल के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इन दोनों ही कारों के ऊपर अच्छा खासा वेटिंग पीरियड चल रहा है। इन दोनों में से एक कार को अगर आप बुक करते हो तो इनकी डिलीवरी लेने के लिए आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, तो आप फेसलिफ्ट मॉडल के लिए भी वेट कर सकते हैं। तो इन 7 कारों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।